तो आज हमारे पास टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हमने डिफरेंशिएशन जो है वो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन। फिर भी हम इसका थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, dy dx का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy dx का मतलब हो गया है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy dy का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। और dy dz का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, यानी कोई भी आपको जो किसी के भी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, जिस हिसाब से हमें फंक्शन दिया जाएगा। समझ में आई वाली बात क्या, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमारे पास में आया था वो क्या था बेटा, dy dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू कितना होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। समझ में आ गया ये वाला, dy dx इक्वल टू dy dx ऑफ x टू दी पावर n इक्वल टू होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, वेयर n इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो n है वो जीरो नहीं होना चाहिए। आई वाज सॉरी, मैं इसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डेराइव भी किया था 11th क्लास में। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मुला याद होना चाहिए, तो dy dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, dy dx ऑफ अंडर रूट एक्स का कितना बताया था मैंने आपको, 1/2 √x। समझ में आई वाली बात क्या। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला था dy dx ऑफ 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, -1/x2। आई बात समझ में, dy dx ऑफ e टू द पावर x, इसका हमारे पास आंसर आया था e की पावर x, ठीक है ना। ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है dy dx ऑफ log x विद द बेस ऑफ b, है ना। हमारे पास जो log x है उसके बेस में अगर e हो तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1/x आता है। अगर बेस चेंज होगा तो हमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के उसको पहले बेस में e बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे dy dx ऑफ a टू द पावर x, e की पावर x में और a की पावर x में फर्क है ना। ये स्पेशली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर e रहेगी वो, ठीक है ना। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a विद द बेस ऑफ b, मतलब उसके बेस में क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। समझ में आ रहा है वाली बात क्या, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूले हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ा था dy dx ऑफ साइन x इक्वल टू क्या होता है, कॉस x होता है। dy dx ऑफ कॉस x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, ठीक है ना। dy dx ऑफ टेन x, dy dx ऑफ टेन x हमारे पास होता है बेटा sec स्क्वायर x होता है। सारा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पहले से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है भाई, नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि x आ गया तो फंक्शन बन जाएगा वो। तो हमारे पास में dy dx ऑफ cot x, तो cot x का अगर हम करें कितना था हमारे पास, माइनस cosec स्क्वायर x, dy dx ऑफ sec x, अगर हम लोग sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना बनता है, sec x into tan x। समझ में आई वाली बात क्या। और dy dx ऑफ cosec x, अगर हम cosec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास में, माइनस हमारे पास में आता है माइनस cosec x इंटू cot x। समझ में आई वाली बात क्या। तो इस टाइप से हम लोग सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले क्या क्या बनेंगे हमारे पास में, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स है, तो dy dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अगर आप साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास आएगा 1/√(1 − x²), ठीक है। अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का हमारे पास में आता है −1/√(1 − x²), ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है dy dx ऑफ tan इनवर्स x, अगर हम tan इनवर्स x की बात करें तो फॉर्मूला बनेगा 1/1 + x²। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। dy dx ऑफ cot इनवर्स x, अगर हम cot इनवर्स x की बात करें तो क्या आता है, −1/1 + x², ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, dy dx ऑफ sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का क्या होता है बेटा, 1/√(x²−1). समझ में आई वाली बात क्या। और लास्ट हमारे पास में क्या है, dy dx ऑफ cosec इनवर्स x, ये हम लोगों ने ITF में पढ़ा हुआ है, सारे इनवर्स फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था, इज इक्वल टू, बाकी मैं x की कोई कंडीशन लेके नहीं चल रहा हूं अभी, −1/√(x²−1). सोने वाली बात क्या, ये जनरल फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। बाकी जहां पर बीच बीच में जरूरत और फॉर्मूले की पड़ेगी तो बताता रहूंगा साथ साथ। समझ में आ गया ना यहां तक, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास में क्या है।
तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन दे रखो एफ एक्स, और अगर वो दो फंक्शन हमारे पास में ऐड हो रहे हो या उनमें उनके बीच में डिफरेंस आ रहा हो, तो उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है dy dx ऑफ, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और एक फंक्शन दे रखा है जी एक्स, और या तो वो प्लस हो सकते हैं या फिर माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें प्रॉपर्टी लगानी वो क्या है, पहले हम फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। मैं फंक्शन x के फॉर्म में दे रखा है तो मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, बताया था अभी मैंने, है ना। y के फॉर्म में दे रखा है y के रिस्पेक्ट में करेंगे, z में होगा z के रिस्पेक्ट में, t में होगा t के रिस्पेक्ट में। यहां तक समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा हम इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, आपको एक फंक्शन दे दिया f(x) = मान लीजिए हमारे पास में दे रखा है यहां पे sin(x) + cos(x), समझ रहे हो बात को, क्या हमारे पास में एक फंक्शन दे दिया f(x) = sin(x) + cos(x), ठीक है। और हमसे बोला जाएगा कि फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हम लोग या तो ये बोलेंगे वो आपको, या फिर बोला जाएगा डीवाई बाई डी एक्स निकालिए। आई बात समझ में, क्या एफ एक्स दिया हुआ है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपसे बोला जाएगा फाइंड डिफरेंस, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर बोलेंगे एफ डैश एक्स, या फिर बोला जाएगा डीवाई बाई डी एक्स। आई बात समझ में, क्या। तो अगर आपको डीवाई बाई डी एक्स के फॉर्म में निकालना है तो सबसे पहले आप इसको वाई सपोज कर लेंगे, है ना। तो मैं इसको सपोज कर रहा हूं लेट वाई is equal to sin x plus cos x। इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, y is equal to sin x plus cos x, यानी मैंने fx को y सपोज कर लिया है, fx को मैंने क्या सपोज कर लिया है y, समझ रहे हो ना बात को आप। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहां पे, differentiation with respect to x, तो यहां लिख देंगे differentiating with respect to x, क्योंकि function x के form में है तो x के respect में करना पड़ेगा। तो अगर आप इसका लिखोगे तो dy dx of fx, आई वाज सॉल्व में क्या, dy dx of fx equal to dy dx of y is equal to, यहां पे क्या हो जाएगा dy dx of sin x plus cos x, यानी मैं इसका क्या करूंगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना यहां तक, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको अलग अलग कर दो, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का करना पड़ेगा आपको, फिर किसका करना पड़ेगा डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। नाउ साइन एक्स का कितना होता है हमारे पास में, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। समझने वाली बात क्या। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास बोल सकते हो, या dy by df आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसे f dash x बोल सकते हो। तो कितना जाएगा हमारे पास में, cos x minus sin x। ये वाला रूल समझ में आ गया भाई सबको, ये हम लोगों ने वैसे 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक किसी को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या आता है बेटा, प्रोडक्ट रूल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। देखते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसमें और भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है ना। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा, प्रोडक्ट रूल। अगर हम प्रोडक्ट के रूल की बात करें तो प्रोडक्ट रूल देखते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट रूल हमारे पास में क्या होता है, मान लीजिए दो फंक्शन है, ठीक है ना, हमारे पास में दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन हमारे पास में जी एक्स दे रखा है। आई बात समझ में, वी हैव टू फंक्शन, दोनों के दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हो रखे हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और आपको बोला जाएगा कि फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको क्या बोला जाएगा, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो। सीधा सीधा मतलब ये है इसका, समझ रहे हो ना बात को क्या, ठीक है। तो अगर मैं देखो हमारे पास इसका रूल क्या होता है, पहला वाला फंक्शन एडजेक्टिव रहेगा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दोगे, आई बात समझ में क्या, प्लस दूसरा वाला एडजेक्टिव रहेगा और पहले वाले का आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे, आई बात समझ में क्या। तो प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया भाई क्या होता है, ठीक है ना। पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला एज इट इज पहले वाले का डिफरेंशिएशन। NCERT में U और V की फॉर्म में दे रखा है ये, इसे U into V, U बाहर आ जाएगा, V का डिफरेंशिएशन प्लस V बाहर आ जाएगा और U का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक सबको, लास्ट समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास में क्या दे रखा है, डी वाई डी एक्स। मान लीजिए आपको बोला जाए कि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैं वही दोबारा से एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे दोनों प्लस में थे, यहाँ पे दोनों क्या मल्टीप्लाई में, क्या दे रखा है हमारे पास, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। समझ में आ रहा है वाली बात। अब आपको बोला जाए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए कितना आएगा। आई बात समझ में क्या, एफ डैश एक्स भी बोल सकते थे वो उसको, ठीक है ना। ओके अब देखते हैं, अगर मैं इसमें एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, लेट मैं एफ एक्स को वाई सपोज कर लेता हूँ, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो वाई क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा या नहीं होगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। नाउ
इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन के जब एग्जाम दोगे वहाँ ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, ओएमआर सीट बनना है वहाँ तो. बट बोर्ड में तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा आपके पास में डीवाई डीएक्स ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डीवाई डीएक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. समझ आ रही वाली बात क्या, तो dy dx of y is equal to dy dx of sin x into cos x. Now dy upon dx is equal to, आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लो और किसी को भी सेकंड फंक्शन मान लो. आई बात समझ में क्या, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हो, इंटीग्रेशन में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड होगा, वो वहां बताऊंगा. समझ रहे हो बात को क्या, तो यहां आप किसी को भी फर्स्ट मान लो किसी को भी सेकंड मान लो, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूं, ठीक है. रूल क्या बताया था मैंने आपको, पहले वाला एजिटिव रहेगा दूसरे वाले का डिफरेंस, तो dy dx of x. फिर क्या बताया था आपको, दूसरा वाला as it is and पहले वाले का differentiation, तो dy dx of sin x. समझ में आई वाली बात क्या, ठीक है. Now so this is sin x आपका as it is रहेगा, cos x का differentiation क्या होता है, minus sin x. मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है जो trigonometric वाले बताया था ना मैंने, तो जिनका c से start होगा उसमें minus आएगा. cos x का minus sin x होता है, cot x का minus cos x square x होता है, cos x का minus cos x into cot x होता है. यानी जो minus से start और जो c से start हो रहे हैं ना उसमें सब में minus आएगा आंसर में. समझ रहे हो बात को क्या, ठीक है. साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका बाहर रहेगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, कॉस एक्स होता है ना, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है. तो कितना जाएगा यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स. समझ रहे हो ना बात को, साइन एक्स की साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स. अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, पहले पॉजिटिव वाला लिख दे रहा हूं, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. आई बात समझ में क्या, जब हमने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो वहां पर एक फॉर्मूला आया था ऐसा, याद होगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा. तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस टू एक्स. आई बात समझ में क्या, ठीक है. तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज कॉस टू एक्स. यानी अगर आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस टू एक्स आ जाएगा. कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, समझ में आ रहा है भाई सबको. तो ये था हमारा ओके. तो हमारे पास में प्रोडक्ट रूल हो गया था, है ना, इसका आंसर आ गया था cos 2x. अब हम बात करें कोसेंट रूल की. नेक्स्ट हमारे पास है कोसेंट रूल, देखते हैं कोसेंट रूल हमारे पास में क्या होता है, ठीक है ना. तो हेडिंग डाल दीजिए कोसेंट रूल. अब देखिए कोसेंट रूल हमारे पास में क्या होता है, इसको डिविजन रूल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना. देखिए मान लीजिए हमारे पास में दो फंक्शन दे रखे हैं, अगर दोनों इस टाइप से दे रखो एफ एक्स अपॉन जी एक्स. आई बात समझ में क्या, यानी एफ एक्स है और उसमें डिवाइड हो रहा है जी एक्स. तो इसको हम कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, आपको क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. उसके बाद जो नीचे वाला फंक्शन है वो एजिटिव रहेगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy dx ऑफ fx, फिर माइनस आ जाएगा ऊपर, फिर हमारे पास fx बाहर आ जाएगा और dy dx ऑफ किसका कर दोगे आप, gx का. आई बात समझ में क्या, यानी रूल कैसे याद रखना है आपको, जो नीचे वाला फंक्शन नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन. आई बात समझ में क्या, इससे आपको ये वाला फॉर्मूला याद भी रहेगा, ठीक है. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं. अगर हम बात करें यहां पे, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन हमारे पास में दे रखा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. आई बात समझ में क्या, हमारे पास में एक फंक्शन क्या दे रखा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में. आई बात समझ में क्या, देखो सबसे पहले इसको क्या लेट कर लेंगे, y, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या सपोज कर लोगे आप, लेट एफ एक्स इक्वल टू y हमने सपोज कर लिया, ठीक है. तो एफ एक्स इक्वल टू y सपोज कर लो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, y इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. आई बात समझ में क्या, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं इसका, ठीक है. तो आपके पास आ जाएगा dy dx ऑफ y इज इक्वल टू dy dx ऑफ sin x अपॉन cos x. आई बात समझ में क्या, dy dx ऑफ sin x अपॉन cos x. अब रूल क्या है भाई हमारा, रूल हमारा यह है कि नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का आपने स्क्वायर कर दिया, फिर नीचे वाला आपका एज इट इज रहेगा, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो dy dx ऑफ sin x, फिर माइनस आपका ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो dy dx ऑफ cos x. समझ में आ गया ना यहाँ तक, ठीक है. तो ये देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, cos square x बन जाएगा ये वाला, ठीक है बेटा, ये cos x रहेगा. अभी बताया था sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है ना, तो इनटू कितना जाएगा यहाँ पे, cos x आ जाएगा. आई बात समझ में क्या, ठीक है. फिर माइनस ये रहेगा sin x, ठीक है. cos x का क्या होता है, माइनस sin x, तो वाला माइनस से प्लस बना देगा, इनटू यहां पे क्या जाएगा, sin x, क्योंकि cos x का sin x हो गया था, और जो माइनस आएगा उसको प्लस कर देगा, ठीक है ना. अब देखो cos x into cos x क्या बनेगा, cos square x, and plus sin x into sin x क्या बनेगा, sin square x. तो 10th क्लास की आइडेंटिटी याद है, sin square theta plus cos square theta कितना होता है, 1 होता है ना, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1,
वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका sec स्क्वायर एक्स होता है, आई वाज सॉल्व में क्या, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स। और ध्यान से देखो ये sin x अपॉन cos x को हम लोग tan x भी तो लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x को tan x भी तो लिख सकते हैं ना, और tan x का फॉर्मूला क्या होता था sec स्क्वायर एक्स। अगर मैं tan x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में sec स्क्वायर एक्स आएगा ना भाई, आई वाज सॉल्व में क्या। और देखो इस तरीके से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, तो ये हमारे पास में हो गया था बेटा क्वेश्चन रूल, ठीक है ना। तो प्लस माइनस वाला आपको समझ में आ गया, और प्रोडक्ट में अगर तो फंक्शन दे रखेंगे तो कैसे करेंगे वो भी समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन रूल भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं, ये एक सारा का सारा था डिफरेंशिएशन क्लास 11th का, जैसे हम क्लास 11th के सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे क्लास 12th में, क्लास 12th में जो डिफरेंशिएशन है बेटा वो चेन रूल से स्टार्ट है ना, क्योंकि ये सब तो हम 11th में पढ़ चुके थे। अब बात कर रहे हैं चेन रूल क्या होता है, है ना, चेन रूल हमारे पास में देखो क्या होता है और उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए इस बात को। अगर हम चेन रूल की बात करें तो चेन रूल में देखो क्या आएगा हमारे पास में, अगर दो फंक्शन हमारे पास में दे रखो, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन यानी फंक्शन के अंदर आपके पास में एक फंक्शन दे रखा हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आई बात सॉल्व में क्या, फंक्शन के अंदर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 का पहला सवाल देखो, एनसीईआरटी में अगर हम एक्सरसाइज 5.2 के पहले सवाल की बात करें तो हमारे पास में क्या देखा बेटा, पहला क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है sin of x square plus 5, है ना। अगर हम यहां बात करें तो हमारे पास में फंक्शन fx equal to दे रखा है भाई sin of x square plus 5, में क्या? तो एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, उन्होंने केवल इतना लिखा हुआ था, मैंने उसको एक फंक्शन सपोज कर लिया fx और बोला गया है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 8 क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन दे रखे उनका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे हो बात को क्या। तो इसको मैंने fx सपोज कर लिया, ठीक है ना। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बता देता हूं, है ना, उसको हम कैसे करेंगे ध्यान से देखना, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। देखो यहां पर दो फंक्शन है, एक तो है साइन, है ना, और साइन के लिए एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, वो अलग फंक्शन है, समझ रहे हो बात को क्या, ठीक है। तो सबसे जो हमारे पास में लॉन्ग वाला मेथड होता है वो क्या होता है, पहले मैं लेट कर लेता हूं यहां पे, लेट मैंने इसको fx को y सपोज कर लिया, fx को अगर मैं y सपोज करूंगा तो क्या बनेगा बताओ, y इक्वल टू बन जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, समझने वाली बात क्या। नाउ अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 को t सपोज कर रहा हूं, क्या सपोज कर रहा हूं t, आप कोई सा भी लेटर सपोज कर रहे हो वो सपोज कर लेना जो इसमें नहीं होना चाहिए बस वो, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या करा, लेट कर लिया कि t इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो बताओ y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में sin t, होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा मैं, t के रिस्पेक्ट में, तो कितना जाएगा यहां पे d by dt ऑफ y इक्वल टू कितना जाएगा यहां पे हमारे पास d by dt ऑफ sin t, यानी sin t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना जाएगा आपके पास, दिस इज cos t, यहां तक समझ में आ गया क्या। अब देखो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया यहां पे dy / dx, आपको तो फाइंड करने के लिए dy / dx बोला गया है ना भाई, और निकाला क्या है मैंने dy / dt, आई बात समझ में क्या। तो जो आपने t सपोज किया है ना इसका भी करो x के रिस्पेक्ट में, इसका किस रिस्पेक्ट में करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास में t कितना दे रखा था x स्क्वायर प्लस 5, अगर आप इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना जाएगा dt / dx आ जाएगा, आई बात समझ में, कितना जाएगा dt / dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई dy / dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। तो दिस इज dt / dx इज इक्वल टू, तो dy / dx ऑफ x स्क्वायर, और प्लस वाला रूल सिखाया था अभी, तो dy / dx ऑफ किसका करना पड़ेगा आपको 5 को, दुनिया में जितने भी कांस्टेंट है सबका डिफरेंशिएशन होता है 0, आई बात समझ में, मैं फॉर्मूला में बताना भूल गया था यहां याद रख लो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, बट शर्त क्या है वो किसी और के साथ में नहीं होना चाहिए, आई बात समझ में, अभी क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। तो dy / dx ऑफ x स्क्वायर प्लस dy / dx ऑफ 5, तो dt / dx इक्वल टू x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, समझने वाली बात क्या। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था dy / dx ऑफ x की पावर n, इसका कितना आया था n * x की पावर n - 1 आया था ना भाई, यहां पर रूल क्या है जो भी पावर है वो पावर आगे आ जाएगी एक पावर कम हो जाएगी, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है हमने सारा का सारा। इसको एग्जांपल देख लो, मान लीजिए यहां दिया हुआ है dy / dx ऑफ x की पावर 100, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 100 x की पावर 99, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है ना, ये आप लोगों को पहले से पता है ना सबको, ठीक है। चलिए तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास में 2x एंड प्लस 5 का कितना हो जाएगा 0, समझने वाली बात क्या। तो देखो dy / dt हमारे पास में आ गया था cos t और dt / dx कितना आ गया 2x है, अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो अगर मैं dy / dx निकालना चाहता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता था dy / dt और into dt / dx, आई बात समझ में क्या, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो dy / dt मैंने निकाला कितना आया था cos t आया था ना, तो कितना जाएगा यहां पे cos t into dt / dx कितना आया था आपके पास में 2x, तो into 2x, तो dy / dx फाइनली आपके पास में कितना आ गया है cos t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में x square plus 5, तो यहां आप लिख देंगे x square plus 5 into 2x।
आई बात समझ में क्या? तो dy by dx इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा cos of x square plus 5 into 2x. समझने वाली बात क्या? बट थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है. अब देखो इसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे. आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हो और ऐसे ही करना है आपको, ठीक है ना. हमारे पास में y इक्वल टू कितना दे रखा था बेटा, sin of x square plus 5. अब ध्यान से देखो मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूं उसका, ठीक है ना. देखिए हम इसको सबसे पहले लिख देंगे यहां पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सबसे पहले आप क्या लिख दोगे यहां पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना. अब अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, dy dx ऑफ y इज इक्वल टू dy dx ऑफ sin ऑफ x स्क्वायर प्लस 5. आई वाज सॉल्व कंपोजिंग फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, ठीक है ना. देखिए अब आप बताओ, मान लो देखो ये sin के लिए x का काम कर रहा है ना, sin के लिए x का काम कौन कर रहा है, x स्क्वायर प्लस 5. इसको मैं थोड़ी देर के लिए x तो मान सकता हूं ना भाई, मान लो x स्क्वायर प्लस 5 एक x है, तो बताओ sin का क्या होना चाहिए था, फिर cos आता ना. sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos. अब sin के लिए x का काम कौन कर रहा है, x स्क्वायर प्लस 5, तो वो यहां पर आ जाएगा. अब क्योंकि वो x तो है नहीं तो उसका भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो यहां क्या लिख देंगे, dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5. नहीं समझ में आई वाली बात क्या, ठीक है. इसे इनर आउटर रूल बोलते हैं, जो वाला बाहर वाला फंक्शन होता है इसे बोलते हैं आउटर और इसे बोलते हैं इनर. तो ये रूल कौन सा बन गया, इनर आउटर रूल. आई बस समझने का, ठीक है. तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखो cos of x square plus 5 into इसका कितना हो जाएगा 2x. तो देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, वही आंसर आया जो यहां से आया था. अरे समझ में आ गया ना, ठीक है. आपको क्या करना है, जो x square plus 5 था उसको थोड़ी देर के लिए मैंने x मान लिया, तो sin का हो जाएगा cos, और sin के लिए x का काम कौन कर रहा था, x square plus 5. फिर इसका आपको अलग से कर देना है, जिसको आपने x माना था उसका तो अलग से करना पड़ेगा ना भाई. समझ में आ गया नहीं वाली बात. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अगर हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, ठीक है ना, तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा बेटा, वो दिया हुआ है cos of sin x. यानी हमारे पास में ये दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है cos of sin x. तो इसको मैं डायरेक्ट y सपोज कर रहा हूं, ठीक है ना. तो मैंने बोल दिया लेट y इक्वल टू cos of sin x. इसको मैंने क्या लेट कर लिया, y इक्वल टू cos of sin x. यहां तक समझ में आ गया भाई. नाउ तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, dy dx ऑफ y इज इक्वल टू dy dx ऑफ cos ऑफ sin x, है ना. मतलब मुझे क्या करना है, cos ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन करना है. तो देखिए ध्यान से, dy by dx इक्वल टू, अब देखो cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना. cos का क्या होता है, माइनस साइन. अब बताओ cos के लिए x का काम कौन कर रहा है, sin x. आई बात समझ में क्या, cos के लिए x का काम कौन कर रहा है, sin x. तो आंसर आना क्या चाहिए था, माइनस sin x आना चाहिए था ना, और x कौन था आपका, sin x. आई बात समझ में क्या, क्योंकि वो x तो है नहीं तो उसका भी करना पड़ेगा फिर आपको, तो dy dx of sin x. समझ में आ गया सबको, किसी सबको. तो कितना हो जाएगा, माइनस sin of sin x, और sin x का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, cos x. समझने वाली बात क्या, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस sin of sin x into cos x. समझ आ गया. सेकंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है एक्सरसाइज 5.2 का. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है बेटा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना. थर्ड क्वेश्चन आपके पास में यहाँ दे रखा है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी. कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, ठीक है ना. अब मैं इसको लेट कर रहा हूँ, लेट इज इक्वल टू, लेट y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी. इसको मैंने क्या सपोज कर लिया, y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है बेटा. अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. यानी इसका मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, dy dx of y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, dy dx of sin ax plus b. आई बात समझ में क्या, dy dx of sin ax plus b. अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं sin का करता हूँ तो क्या आना चाहिए था, cos. sin के लिए x का काम कौन कर रहा है, पूरा. तो यहाँ पे कितना जाएगा, ax plus b. अब क्योंकि वो x तो है नहीं तो उसका भी करना पड़ेगा, तो dy dx of किसका करना पड़ेगा आपको, ax plus b का. चेन रूल समझ में आ रहा है ना, इसी को तो चेन रूल बोलते हैं. समझ रहे हो ना बात को, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन जब होगा तो हम चेन रूल अप्लाई करके उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे बस आगे तक. ऐसा है दो फंक्शन के लिए नहीं, कितने भी फंक्शन हो गए सब फॉलो होगा ऐसा. आई बात समझ में क्या, ठीक है, चलता रहेगा आगे तक. तो हमारे पास में आ जाएगा देखो यहाँ पे cos of ax plus b, और देखो ax plus b का कितना हो जाएगा a. देखो यहाँ पर a कांस्टेंट था लेकिन a का जीरो नहीं हुआ क्योंकि वो x के साथ था ना, बट b का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. आई बात समझ में क्या, तो रूल ये वाला आपके पास होता है dy dx of k into fx. आई बात समझ में क्या, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रखा होगा तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और उस फंक्शन का जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे.
समझ में आ गया ना ये वाली बात क्या? तो ax में a तो बाहर आ गया था और x का कितना हो जाएगा 1 और b का हो जाएगा 0, समझ में वाली बात क्या? तो हमारे पास में आ जाएगा a into cos of ax plus b, समझ में आई वाली बात क्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आगे भी कैसे करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास में दे रखा है sec of 10 under root x, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर जो फोर हमारे पास में है बेटा वो क्या है? sec of 10 under root x, ठीक है? देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको, हमारे पास में फंक्शन दे रखा था, फोर्थ पार्ट दे रखा है sec of 10 under root x, ठीक है? sec of 10 under root x. अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर हम sec of 10 under root x की बात करें सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसको लेट कर लेते हैं y equal to sec of 10 under root x. इसको मैंने क्या लेट कर लिया भाई, sec of 10 under root x लेट कर लिया, ठीक है ना? Now differentiating with respect to x, अगर मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो कितना बन जाएगा, दिस इज d by dx of y is equal to d by dx of sec of 10 under root x, बनेगा या नहीं बनेगा बोलो, ये वाला कितना बन जाएगा sec of 10 under root x. अब ध्यान से फॉर्मूले देखना, हमारे पास में d by dx of sec x का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था आपको, sec x into 10 x. अगर बात करूं यहां पे d by dx of 10x, 10x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको अभी, sec square x. अगर हम बात करें dy dx of square root of x, इसका कितना अंतर आया था हमारे पास में 1 upon 2 under root x. आई बात समझ में क्या, ये तीन फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं. ध्यान से देखो, अगर हम बात करें sec की, देखो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into 10x होता है ना, तो sec के लिए x का काम ये कर रहा है ना, तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, sec of यहां पर आ जाएगा उसके लिए x into 10x. समझ में वाली बात क्या, sec x का क्या होना चाहिए था, sec x into 10x होना चाहिए था ना, समझ रहे हो बात को क्या? और sec के लिए x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा, तो यहाँ आ जाएगा ये 10 under root x भी आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 under root x. आई बात समझ में क्या? अभी क्योंकि x का काम कर रहा था, वो x तो था नहीं ना, तो उसका भी करना पड़ेगा, तो dy dx of कितना आ जाएगा आपके पास 10 under root x. नहीं समझ में आई वाली बात क्या, ठीक है? इसको इमेजिनरी लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा sec of 10 under root x into 10 of 10 under root x. आई बात समझ में क्या, ठीक है? अब ध्यान से देखो, 10x का क्या होता है भाई, sec square x होता है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा sec square, और 10 के लिए x का काम कौन कर रहा है, under root x. 10 के लिए x का काम कौन कर रहा है, अंडर रूट x, तो यहां पे क्या आ जाएगा अंडर रूट x. अब क्योंकि वो x तो है नहीं, तो उसका भी करना पड़ेगा, तो dy dx of अंडर रूट x. समझ में आ रहा है ना भाई सबको, ठीक है? तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं sec of, यहाँ पे आ जाएगा 10 under root x into 10 of 10 under root x into sec square under root x, और under root x का क्या हो जाएगा 1 upon 2 under root x, बताया था ना मैंने अब आपको, ठीक है? तो भाई under root के लिए x का काम तो x ही कर रहा है ना वो, तो अब आप बोलोगे x का करोगे तो x का करोगे भी तो बना जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं करके. आई बात समझ में क्या? तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, sec of 10 under root x into 10 of 10 under root x into sec square under root x into 1 upon 2 under root x. कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ गया ना भाई सबको, ठीक है? चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है sin ax plus b upon cos cx plus d, ठीक है ना? एक बार क्वेश्चन चेक कर लिया करो, क्या पता मैं गलत में लिख दूं, ठीक है? तो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में क्या दे रखा है भाई, sin of ax plus b and divided by, यहां पे आ जाएगा cos cx plus d. आई बात समझ में क्या, ठीक है? इसको मैंने क्या लेट कर लिया, y. अगर मैं इसको y लेट करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, sin ax plus b divided by cos cx plus d, क्योंकि मैंने dy by dx निकालने के लिए बोला गया था, है ना? y equal to fx होता है ना हमारे पास में, पीछे बताया था मैंने भी आपको. अब क्या करेंगे यहाँ पे, differentiating with respect to x. आई बात समझ में क्या? तो अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, dy dx of y is equal to dy dx of sin ax plus b divided by, नीचे कितना आ जाएगा आपके पास में, cos cx plus d. आई बात समझ में क्या? अब इसमें दो रूल लगेंगे, एक तो क्वेश्चन रूल भी लगेगा आपका और साथ साथ में चेन रूल भी लगेगा. आई बात समझ में क्या? अब देखो रूल हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में आ जाएगा बेटा dy upon dx is equal to, हमने में क्या समझाया था आपको, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे क्या आपके पास में cos cx plus d है, आप इसका स्क्वायर कर तो बन जाएगा cos square of cx plus d. समझ में आई वाली बात क्या? फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में cos cx plus d. समझ रहे हो ना बात को क्या, ठीक है? तो ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि dy dx of, यहाँ पे कितना आ जाएगा sin ax plus b, ठीक है? उसके बाद हमारे पास में आ जाएगा माइनस, ठीक है? उसके बाद क्या था, ऊपर वाले फंक्शन का बाहर आ जाएगा और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी sin ax plus b बाहर आ जाएगा और dy dx of किसका कर दो, cos of cx plus d का. समझ में आ रही है आपके वाली बात क्या, माइनस यहाँ पे कितना था हमारे पास में sin ax plus b. समझ में आई वाली बात क्या? तो रूल क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन. कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक भाई, ठीक है?
Now, so this is dy by dx is equal to, हमारे पास में कितना जाएगा यहाँ पे, cos square cx plus d. समझ रहे हो ना बात को, क्या यह आ जाएगा cos square cx plus d. उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा cos of cx plus d into sin का क्या होता है भाई, cos होता है ना, sin का क्या होता है cos, तो यहाँ पे कितना जाएगा cos ax plus b, आएगा नहीं आएगा. अब क्योंकि देखो ये x तो था नहीं ना, आपने इसको क्या माना, थोड़ी देर के लिए x माना था, तब x plus b का भी करना पड़ेगा ना फिर आपको, तो यहाँ पे कितना जाएगा dy dx of ax plus b. आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, इसलिए मैं इसको अभी dy dx करके कर रहा हूँ. ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन ax plus b क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका. ठीक है, फिर हम कर देंगे यहाँ पे dy dx of cos of, देखो अच्छा इसका कर दो वहां पे, तो हमारे पास में cos का कितना हो जाएगा भाई, माइनस साइन होता ना cos का, तो वो वाला इसको प्लस बना देगा. ठीक है, तो इसका हो जाएगा साइन, यहाँ पे आ जाएगा cx plus d. अब क्योंकि हमें cx plus d का भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा dy dx of cx plus d. समझ में आ गया बेटा यहाँ तक, ठीक है ना, सिंपल सा चल रहा है अभी हमारा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इसके बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर था cos स्क्वायर cx plus d. ठीक है, नाउ दिस इज cos ऑफ cx plus d था यहाँ पे, इनटू यहाँ पे कितना आ गया था आपके पास cos ऑफ ax plus b. ठीक है ना, ax plus b का करोगे तो इनटू a हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू a हो जाएगा. ठीक है ना, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस. अब यहाँ देखिए इसका कितना हो जाएगा आपके पास में sin ax plus b. ठीक है, ये हो जाएगा sin ax plus b इनटू यहाँ पर कितना आ जाएगा sin cx plus d. जब cx का करोगे तो c हो जाएगा, और d का कितना हो जाएगा जीरो, c तो c हो जाएगा ना, तो c में यहाँ लगा दे रहा हूँ, तो आपके पास में कितना आ जाएगा c into sin of ax plus b into sin of cx plus d. समझ में आ गया था सबको. अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और अलग अलग डिवाइड भी हम कर सकते हैं. ठीक है, इसको तो अलग अलग कर देते हैं. तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा cos cx plus d इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी. ठीक है ना भाई, इंटू हमारे पास में ए था साथ में, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी. ये समझ में आ गया ना, ए वहाँ से मैंने इसको यहाँ लिख दिया, प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पे कितना था सी इंटू साइन ऑफ दिस इज ए एक्स प्लस बी इंटू कितना आ जाएगा साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी. आई बात समझ में क्या, डिवाइडेड बाय उसके बाद आप इसको इसके नीचे रख दीजिए, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ दिस इज सी एक्स प्लस डी. समझ में आ रहा है ना सबको. ठीक है, अब आप देखिए, देखो इसमें स्क्वायर है तो एक स्क्वायर तो इसके साथ मिल जाए, इससे एक स्क्वायर तो कट जाएगा ना भाई, इससे ये वाला कट जाएगा. आई बात समझ में क्या, अब देखो यहाँ पर ए था और ऊपर आपका था कॉस ऑफ यहाँ पर ए एक्स प्लस बी रहेगा. अब जो नीचे वाला कॉस है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक, तो कितना जाएगा पे? सेक सी एक्स प्लस डी. समझ में आ गया वाली बात, प्लस अब यहाँ देखो सी आपका ऐसी रहेगा. अब देखो यहाँ पर क्या आपके पास में साइन सी एक्स प्लस डी है, तो जो साइन ए एक्स प्लस बी है वो तो आपका ऐसी रहेगा ना भाई, साइन ए एक्स प्लस बी क्या रहेगा आपका ऐसे रहेगा इनटू, ध्यान से देखो साइन जो सी एक्स प्लस डी जो है उसमें से एक कॉस सी एक्स प्लस डी मिलकर क्या बन जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी बनेगा ना बेटा. देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन होता ना, बट एंगल भी सेम होना चाहिए ना. समझे भले, अब नीचे भी एक कॉस बचा हुआ है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी. समझने वाली बात क्या, तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का हमारे पास में आंसर आ जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी इंटू सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी. आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें. समझ में आ रहा ना सबको यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव. अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में. क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास में दे रखा है कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर फाइव. ठीक है, देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है. अगर हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो हमारे पास में क्या दे रखा है, देखो कॉस ऑफ एक्स क्यूब आपके पास में क्वेश्चन नंबर सिक्स दे रखा है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर फाइव. समझने वाली बात क्या, स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना. ठीक है, देखिए इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट वाई इज इक्वल टू, इसको मैंने वाई सपोज कर लिया है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर फाइव. आई बात समझने के, तो साइन स्क्वायर के अंदर एक्स की पावर फाइव है ना. समझने वाली बात क्या, ठीक है. अब ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखना, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आई बात समझ, आप इसको वैसे लॉन्ग वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट इसमें बहुत सारा सपोज करना पड़ेगा आपको, एक्स क्यूब को यू, एक्स की पावर फाइव को कुछ और सपोज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो आएगा उसको भी कुछ और सपोज करना पड़ेगा. समझ रहे हो ना बात को, ठीक है. तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना जाएगा हमारे पास में dy dx ऑफ y इज इक्वल टू, ये वाला बन जाएगा dy dx ऑफ cos x क्यूब इंटू यहाँ पे कितना जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर फाइव. कोई दिक्कत यहाँ था किसी को, ठीक है ना. अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो इसमें इसको सपोज कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सपोज कर लेते हैं सेकंड फंक्शन. आप इसे भी फर्स्ट सपोज कर सकते थे, इसे भी सेकंड सपोज कर सकते थे, डिफ्रेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. समझ में आई वाली बात क्या, ठीक है.
नाउ तो पहला वाला एडजेक्टिव रूल यही था हमारा, ठीक है ना। फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो डीवाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 आई वाज सॉल्विंग इट, ठीक है, प्लस दूसरा वाला एडजेक्टिव साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो डीवाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यू। समझ में आ रहा आपके वाली बात क्या, ठीक है ना। पहले वाले एडजेक्टिव दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले एडजेक्टिव पहले वाले का डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। नाउ इसको देखिए ध्यान से, कॉस एक्स क्यूब आपका ऐसी रहेगा, ठीक है। अब देखो अगर हम पावर होगी, देखो ना यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है, ठीक है, तो रूल क्या होता है, पहले तो पावर आगे आ जाएगी। यहाँ देख लो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो, इसको समझने से पहले अगर हमारे पास में दे रखा है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर 10x, समझ बात को क्या, तो रूल क्या है, देखो पहले तो पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 10 आगे आ जाएगा, साइन की पावर 9x बन जाएगी, फिर साइन x का भी होगा, फिर किसका होगा, साइन x का भी होगा, तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। आई वाज सॉल्विंग क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ ऐसे देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले तो पावर 2 का होगा ना, तो 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, यानी साइन x की पावर 5 बचेगा। आई वाज सॉल्विंग, अब साइन का भी करना है, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x की पावर 5। आई वाज सॉल्विंग में, फिर x की पावर 5 का भी करना पड़ेगा, तो इंटू 5x की पावर 4, एक चेन टाइप की बनती जाएगी पूरी। समझ में आ गई वाली बात क्या, इसको अलग अलग तो समझने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ गया पूरी बात। अरे भाई कॉस एक्स क्यूब ऐसी रहेगा, साइन की पावर 2 थी, मैंने वहां 10 लेके समझाया था अभी आपको, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो गया, 1 थोड़ा लगा के दिखाऊंगा यहाँ पे, साइन एक्स की पावर 5 बन गया, फिर साइन का क्या होगा, कॉस, और साइन के लिए एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स की पावर 5, फिर एक्स की पावर 5 का भी करना पड़ेगा, तो 5x की पावर 4। समझ आई वाली बात क्या, एंड प्लस अब यहाँ देखो, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये ऐसी रहेगा। नाउ अगर हम आगे बात करें तो कॉस आ गया, कॉस का क्या होता है बताओ, माइनस साइन होता है ना, तो यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास, इसे यहीं लिख देता हूँ, माइनस साइन, ठीक है, कॉस के लिए एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स क्यूब, तो माइनस साइन एक्स क्यूब। आई वाज सॉल्विंग में क्या, फिर एक्स क्यूब का भी करना पड़ेगा, तो इतना यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। आई वाज सॉल्विंग में क्या, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आगे देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 टू जो 10 हो जाएगा, तो 10x की पावर 4 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। आई वाज सॉल्विंग में क्या, एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, देखो इसको पहले लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं आने आता किसी को, किसी प्रकार की दिक्कतें बताओ। देखो यहाँ पर एक काम और भी कर सकते थे आप, यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन सकता था, क्या बन जाता, साइन 2 थीटा, यानी कि यहाँ से मैं एक और टाइप से बना सकता था इसको। देखो जो 5x की पावर 4 है वो बाहर आ जाएगा, 5x की पावर 4 बाहर रहेगा और कॉस एक्स क्यूब आपका ऐसे रहेगा, इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2x की पावर 5 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बोलो। अब सॉल्व में क्या, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आप जैसे लिखा था वैसे लिख दीजिए, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब। आई वाज सॉल्विंग में क्या, ठीक है, अब तक शायद यही थोड़ा सा आपको लगा होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6, कोई दिक्कत है तो बताओ उसमें, नहीं है ना कोई भी दिक्कत, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं फिर। ओके तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में दे रखा है 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, आपके पास यहाँ पे दिया गया है 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में क्या, ठीक है। अब देखो इसमें जो फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं, एक तो मुझे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पे क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास में आ जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। आई वाज सॉल्विंग में क्या, ये सारे फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे। अब ध्यान से देखो, मैं इसे y सपोज कर लेता हूं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आई वाज सॉल्विंग में क्या, ठीक है। अब देखिए इसमें लिख देता हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा भाई, dy अपॉन dx इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा, 2 इनटू यहां पे आ जाएगा dy dx ऑफ 2 इनटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आई वाज सॉल्विंग में क्या, समझ में आ रहा है यहां तक सबको। अब देखो यहां पे तो 2 बाहर आ जाएगा, और देखो यहां पे कितना हो जाएगा, dy dx ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है यहां तक, ठीक है। नाउ अगर हम यहां पे निकालेंगे dy / dx इज इक्वल टू 2 बाहर रहेगा, देखो अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है ना, तो बताओ क्या आना चाहिए था, 1/2 अंडर रूट एक्स का काम कौन कर रहा है तुम्हारे लिए, कॉट एक्स स्क्वायर कर रहा है ना, तो हमारे पास आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि वो एक्स तो था नहीं, तो कॉट एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, तो कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर। आई वाज सॉल्विंग भाई, कॉट एक्स के लिए तो एक्स का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है ना, तो माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स तो था नहीं, तो एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा, इंटू 2x।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। नाउ टू से टू कट जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास में देखो dy/dx कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे कितना जाएगा हमारे पास में कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हो और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो अभी, ठीक है ना। ध्यान से देखो कैसे करेंगे आगे सॉल्व, dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय कैसे कहा था, कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है उसको सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करो आप, आई वाज सॉल्व में, तो मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि सिंपल फॉर्म में आ जाए, इनटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्या लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ कॉस और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। अब देखो आगे हमारे पास में ये दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल टू, ऊपर क्या था भाई हमारे पास में माइनस 2x, इसकी मल्टीप्लाई बनते हो जाएगी तो कितना आ जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास था साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आई वाज सॉल्व में क्या मल्टीप्लाइड बाय, नीचे वाले का उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। So this is dy/dx is equal to minus 2x under root sin x square divided by, ठीक है। देखो sin square x square को दो बार लिख सकता हूं मैं, है ना, क्योंकि वो स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं sin x square into sin x square और square root यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में cos x square। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक, कोई दिक्कत तो बताओ, समझ में आ गया भी सबको, ठीक है। देखो dy/dx इज इक्वल टू, अगर हम यहां बात करें तो इससे ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, यहां बचेगा साइन एक्स स्क्वायर, पढ़ा हुआ ना हम लोगों ने इसको, ठीक है, पता है ना सबको कैसे कटा है, ठीक है। अब यहां देखो यहां पे कितना आ जाएगा माइनस 2x, जो नीचे साइन एक्स स्क्वायर एक बचा हुआ है उसको ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा कॉसेक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहां देखिए यहां पे कितना आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। अब देखो अगर यहां पे अंडर रूट 2 आ जाता तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ना भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मैंने क्या किया इसको ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो dy/dx इज इक्वल टू, देखो माइनस 2 की रूट 2 से होगी तो माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू एक्स, क्या जाएगा यहाँ पे कॉसेक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको मैं स्टेप से लिख सकता हूँ ना 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए सो दिस इज कितना बन जाएगा आपके पास माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू एक्स इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो कितना बन जाएगा भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बनेगा साइन 2 थीटा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ कितना बन जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन 2 एक्स स्क्वायर, आई बात समझ में क्या, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक किसी को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने वाला है, ठीक है ना, मतलब सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये तो अभी जो भी हमने सीखा है चेन रूल की प्रैक्टिस है, अहवा सोच में क्वेश्चन तो इसके बाद वाली एक्सरसाइज से आएगा जहां पर थोड़ा सा लेवल बनेगा, थोड़ा सा समझ रहा ना बात को क्या, ठीक है ना। तो समझ में आया चेन रूल क्या होता है, किस टाइप से हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा आपको जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है बेटा cos ऑफ अंडर रूट x, है ना, चेक करो यही है ना, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में क्या दे रखा है cos अंडर रूट x, आई वाज सॉल्व में क्या, तो हमारे पास में दे रखा है cos अंडर रूट x। अब देखिए यहां पे इसको मैं y सपोज कर लेता हूं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई cos अंडर रूट x, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास में dy/dx ऑफ y इज इक्वल टू dy/dx ऑफ cos अंडर रूट x, समझ में आई वाली बात क्या। अब देखो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, माइनस साइन x होता है ना, तो माइनस साइन, और cos के लिए x का काम कौन कर रहा है अंडर रूट x, अब क्योंकि वो x तो है नहीं उसका भी करो तो इंटू वन अपॉन टू अंडर रूट x, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट x डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट x, समझ में आ गया भी सबको, ठीक है। तो ये थी आपके एक्सरसाइज 5.2 में जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन थे वो हमने सारे कर दिए, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास में 9 और 10 जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है, ये मैंने आपको पहले करवा भी दिए थे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ाई थी उस टाइम पे हमने करे था इसको, ठीक है ना बेटा। ओके थैंक यू।